फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम यानी कि आज से हम अपनी तैयारी करेंगे किसकी, यानी कि KVS के लाइब्रेरियन की। यानी कि बहुत टाइम से आप परेशान हो रहे थे कि KVS लाइब्रेरी, तो आज से हम करेंगे KVS लाइब्रेरियन। ठीक है बच्चों, यानी कि KVS में लाइब्रेरियन की या फिर लाइब्रेरी कुछ भी कह लीजिए, लाइब्रेरियन या लाइब्रेरियन की जो आपके TGT लाइब्रेरियन की जॉब निकली हुई है। भाई देखो, सीधी सीधी बात यह है, हमें इसमें करनी है 100 नंबर की तैयारी। 100 प्लस 10। 10 क्यों कह रहा हूँ, आपको सिलेबस तो पता ही होगा भाई, सिलेबस तो सबने देख ही लिया होगा। सिलेबस के बारे में क्या, 15 नंबर इंग्लिश है, 15 नंबर हिंदी है, ठीक है, 50 नंबर हमारे में GK यानी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर है, यानी कि 20 नंबर का आपका GK है और करंट है, 20 नंबर का रीजनिंग है और 10 नंबर की आपके कंप्यूटर है, और 100 नंबर का हमारा लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी और कंप्यूटर एक ही बात है, यानी कि जब से BLIS यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस हुआ है, पहले BLIV था और BLIV से लाइब्रेरी साइंस हुआ है, तो आपको इसमें कंप्यूटर तो मिलता ही है, यानी कंप्यूटर तो हर हालत में पढ़ना पड़ेगा लाइब्रेरी में, और वही कंप्यूटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपकी 110 नंबर की तैयारी हम करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सिलेबस के एक एक चीज़ यानी कि एक एक अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे उसमें कोई भी बात हो, यानी कि कोई भी चीज़ हो, सिलेबस को छोड़ा नहीं जाएगा। सिलेबस आप अपना स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और मेरी जो आज से क्लास आएंगी उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। बस आपको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो समय व्यर्थ करते हुए सबसे पहला जो टॉपिक है आज का, उसे देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या है टॉपिक उसे देखते हैं। तो आपकी जो पहली यूनिट है यानी कि आपके सिलेबस की आज से जो तैयारी करेंगे, तो पहली यूनिट में क्या बताया गया है, देखिए सिलेबस आपको सबको पता है, सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको गुमराह करना मेरा उद्देश्य नहीं है। भाई आप हो इस लेवल में, हो मैं भी उस लेवल से निकल चुका हूँ, तो उस लेवल में बच्चों को सिलेबस बताना या इस तरह की चीज़ें बताना, सिलेबस आपको इसके डिस्क्रिप्शन यानी कि या तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर KVS की साइट पर जाकर सिलेबस डाउनलोड कर ली या फिर हमारे टेलीग्राम पर देख लीजिए सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस में कुछ नहीं है, सिलेबस वही सिलेबस है जो हर टाइम चलता आ रहा है, यानी कि लाइब्रेरी का कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। जिस तरह से यानी कि आपने हिस्ट्री एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, पॉलिटिकल सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ये सब्जेक्ट तब चेंज होते हैं जब कोई इतिहास में नई चीज़ ऐड होती है। ऐसे ही आपका लाइब्रेरी है, कोई चीज़ नई ऐड होगी तभी आपको नई चीज़ जानने के लिए मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला जो टॉपिक है यानी कि वो क्या है, यानी कि हमारी जो यूनिट नंबर 1 है तो उसमें क्या है, फाउंडेशन यानी कि फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपकी पहली यूनिट है, यानी कि पहली यूनिट के बारे में ये पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है, इसके अंदर जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, 6 टॉपिक दिए गए हैं, यानी कि लाइब्रेरी एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लॉज ऑफ रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, चौथा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, फिर है छठा प्रमोट लाइब्रेरी एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। तो यानी कि आपकी जो पहली यूनिट क्या है, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक ये है, आप अगर आप चाहते हैं सिलेबस को देखना तो हमें शॉर्ट वीडियो में उसका सिलेबस का वीडियो बना कर दे दूँगा, क्योंकि मैं फिर कहूँगा
क्योंकि लाइब्रेरी के सिलेबस वही चलता आ रहा है, और अगर आपको लाइब्रेरी के सिलेबस के चक्कर में एक वीडियो 25-30 मिनट की खींच के मैं दे दूँ तो क्या बेनिफिट होगा, और क्या जो गुमराह करने वाले और जो मेरे में अंतर क्या होगा। यानी कि गुमराह मुझे करना नहीं है, मुझे आप तक अपने ज्ञान को पहुंचाना है और आपसे एक लाइब्रेरी की सीट रिज़र्व करवानी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब चलते हैं आज का जो टॉपिक है। इसके साथ साथ हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो थ्योरी पार्ट है वो मैं कवर करूँगा, और जो मैराथन का पार्ट है यानी कि आपको चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ कि जो थ्योरी पार्ट है वो सारा मैं करूँगा, और जो क्वेश्चन आंसर वाला यानी कि पहली बार यूट्यूब पर आपको मैराथन मिलेगी लाइब्रेरी साइंस की, तो वो आपको रितु मैडम कराएगी, तो इसलिए आपको लाइब्रेरी साइंस मैराथन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और दोनों एक साथ मिलती रहेंगी, तो इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। बस आपको ये करना है कि अपने 100 नंबर यानी कि 110 नंबर की तैयारी के लिए लाइन बाय लाइन सिलेबस से आप एक पन्ने यानी कि 3 पन्ने का सिलेबस है, या फिर 3 पन्ने बर्बाद मत करिए, अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट खींचिए और स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग और यहाँ पर जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाते चले जाइए और क्वेश्चन आंसर करते चले जाइए। तो चलिए आज का टॉपिक जो है उसे देखेंगे। यूनिट के अंदर एक और यानी कि यूनिट के अंदर पहला जो चैप्टर है वो है लाइब्रेरी एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि चैप्टर वन क्या कह रहा है हमारा, चैप्टर वन कह रहा है लाइब्रेरी एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन। भाई सीधी सीधी बात ये है, आपको एक चीज़ का पता होगा कि लाइब्रेरी क्या है, ठीक है, और उसमें भी यानी कि पहले से समझ लीजिए लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं, सभी के मन में धारणा यही है, ठीक है बच्चों। फिर सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों है, भाई सभी के लिए समान है, भाई चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब के लिए समान किताबें उपलब्ध हैं, तो वो इसलिए सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें हमें आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, चलिए चेंज कर लेते हैं पेन, चलिए ये ले लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सोशल यानी सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। भाई कोई मुझे इतना समझा दे कि ये जो लिखा हुआ है इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर इसका जो जिनको शब्द और अर्थ हिंदी में समझ में आ रहा है तो वो मुझे बता दे कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये जो भी लाइब्रेरी कोर्स यानी कि बीलीव जिसने करी है, ठीक है, डीलीव जिसने करी है, उसके पहला चैप्टर ही यानी कि आपकी पहली किताब का पहला चैप्टर ही इसी से रिलेटेड है, ठीक है, तो वही हमें यहाँ पढ़ना है। तो क्या कह रहा है, सोशल एंड हिस्टोरिकल यानी कि सोशल एंड हिस्टोरिकल सामाजिक और ऐतिहासिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, सामाजिक यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि एक तरह से फाउंडेशन के बारे में हमें लाइब्रेरी की पढ़नी है। तब सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपका, तो आप ये समझा पाए यानी कि देखिए सोशल हिस्टोरिकल एंड हमें किसके पढ़ना है, लाइब्रेरी का। तो सबसे पहले आता है हमारा, देखिए शुरुआत थोड़ी सी इस तरह से लेके चलते हैं कि जिस तरह से आपको समझ में भी आ जाए, क्योंकि भाई आप पढ़े हुए हो तो इस चीज़ को भी दोहराना ज़रूरी है कि आपका ज्ञान जंग ना लगा हो, यानी कि जिस तरह से हमारे पुराने लोहे पर जंग लग जाता है उस तरह से अगर जंग लगा हुआ होगा तो आपको दिक्कत होगी। सबसे पहले आता है पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय पढ़ रहे हैं हम। तो पुस्तकालय है क्या, पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ
पाठ्य पुस्तक यानी पुस्तकों को संग्रह कर रखा जाता है। ठीक है, एक वर्ड में कहे तो जहाँ संग्रह कर के रखा जाता है। किसका संग्रह करके रखा जाता है? बुकों का। ठीक है, बुक को जो बुक का जो संग्रह करके रखा जाता है उन्हें कहते हैं क्या? पुस्तकालय। फिर आता है पुस्तक प्लस आलय, यानी कि अगर रूप अगर हम बांट के देखें तो पुस्तक प्लस आलय क्या होता है? पुस्तक आपको पता ही किताब होती है, और आलय क्या होता है? जहाँ यानी कि घर या स्थान जहाँ पर रखा होती है क्या? पुस्तकें। यानी कि अगर आपको पुस्तकालय का तोड़ कर देखना पड़े तो क्या हो जाएगा? देखिए, पुस्तक प्लस आलय, तो यानी कि इसका अर्थ क्या होगा भाई? बुक। और इसका अर्थ क्या होगा? घर मान लीजिए, घर यानी कि होम मान लीजिए, तो क्या होगा? बुकों का घर, तो पुस्तकों का घर, इसलिए कहते हैं लाइब्रेरी को पुस्तकालय। अगर आपसे एक वर्ड में कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि पुस्तकालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि पुस्तक का अर्थ है, यानी कि उनको अलग अलग शब्द में समझा दीजिएगा कि पुस्तकालय क्या है। पुस्तकालय आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब आता है लाइब्रेरी जो शब्द है, यानी कि पुस्तकालय का जो इंग्लिश रूपांतरण शब्द है वो है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी कहाँ से लिया गया है? लाइब्रेरी लिया है लैटिन भाषा से, यानी कि लाइब्रेरी, ब्रेरी कहाँ का है? लिब्रर से लिया गया, और वो कौन सा है? लैटिन। ठीक, ये आ गया पुस्तकों का घर, जिसका अनुवाद है पुस्तकों का घर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम अपने बात पर, यानी कि हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे हैं? सोशल एंड हिस्टोरिकल। ठीक है भाई, सीधे सीधे आपको दो चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। आज से आप किताब, यानी कि आप तो आज से किताब पढ़ रहे हो, तो किताबें पहले भी होती होंगी, यानी कि पुराने ज़माने में पांडुलिपि होती थी और वेद होते थे, या फिर हिस्टोरिकल बहुत सारी किताबें होती थी, तो उनको भी संग्रह करके रखा जाता था, यानी कि राजा महाराजा भी किताब पढ़ते होंगे। भाई आज आप उनका इतिहास कैसे जानते हैं? कि बुक के माध्यम से, यानी कि बुक के माध्यम से हम सभी का इतिहास जानते हैं, या फिर स्रोत के माध्यम से जानते हैं, यानी स्रोतों के माध्यम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब चीज़ें आती हैं सामने, तो क्या देखा जाता है कि उनके बारे में जानते हैं, उनके संग्रह करके रखा जाता है। तो ये आ गया हिस्टोरिकल। तो भाई हिस्टोरिकल में, यानी हिस्ट्री में हमें क्या जानने को मिला? कि लाइब्रेरी आज से तो चली आ नहीं रही, यानी कि करोड़ों साल पहले से एक तरह से लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, पर उन चीज़ों को रखा जाता था। भाई आज भी आप देखें कि पहाड़ों में कहीं ना कहीं चित्रकारी हो रही है, तो चित्र लाइब्रेरी में क्या है भाई? बुक रखी है, हिस्टोरिकल मोमेंट रखे हैं, ज्ञान को बढ़ाने वाली चीज़ रखी है, ऐसे ही उस जगह पर वो संग्रह उसे उठा के तो ला नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें हैं लाइब्रेरी के टॉपिक में। तो और दूसरा क्या है? सोशल, यानी कि सामाजिक, यानी कि समाज से जुड़ा हुआ है क्या? जैसे आपका एक कोई भी टॉपिक ले लीजिए, वो है समाज से जुड़ा हुआ। तो ये दोनों टॉपिक आपको सबसे पहले लेके चलने होते हैं कि सामाजिक और। तो अब ये जो जानिए, यानी कि अब इस चीज़ को बड़े तौर पर लेके चलते हैं। देखिए इसका क्या आगे है? लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी जो चीज़ें हैं उसमें देखे दें भाई, सामाजिक और ऐतिहासिक लाइब्रेरी। सीधे सीधे दो वर्ड को लेके, सामाजिक और ऐतिहासिक जानना है भाई। समाज में लाइब्रेरी का रोल क्या है सबसे पहले आप ही जानिए, फिर ऐतिहासिक रोल क्या है। ऐतिहासिक रोल ये है कि लाइब्रेरी पुराने समय से ही, यानी कि आपने इंडिया में तो पता नहीं कोई भी इतनी पुरानी लाइब्रेरी है या नहीं है, पर जो बाहर देखिए ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरी हैं जिनमें आज भी पुरानी पुरानी किताबें रखी, एक डेप्थ
बुक के नाम से जानी जाती है बुक, वो इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी, वो भी कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में रखी गई है। क्यों रखी गई है? वो है हिस्टोरिकल मोमेंट, और हिस्टोरिकल मोमेंट यानी कि लाइब्रेरी को हिस्टोरिकल मोमेंट के तौर पर जाना जाता है और एक समाज के तौर पर भी जाना जाता है। तो यही आपका जो पहला टॉपिक है, यानी कि पहले टॉपिक में यही जानना है कि एक लाइब्रेरी किसके बारे में, समाज के बारे में, यानी कि समाज की सभी चीज़ों के बारे में हमें बताती है। क्या बताती है? देखिए, लाइब्रेरी समाज या सामाजिक कुछ भी कह लीजिए, समाज कह लीजिए, समाज जी कह लीजिए, सोसाइटी के बारे में हमें क्या बताती है? समाज के बारे में क्या करती है? ज्ञान प्रदान करती है। और लाइब्रेरी हमें क्या करती है? इतिहास के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। तो जो पहला टॉपिक है वो इसी के बारे में बताया गया है। फिर इसमें आपको ये बताना है कि जो हिस्ट्री है लाइब्रेरी की वो क्या है। भाई हिस्ट्री क्या है लाइब्रेरी की? आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, यानी कि मुग़ल एम्पायर। और मुग़ल एम्पायर में भी किसका? अकबर, बीरबल, शाहजहाँ, ये सब चीज़ों का नाम सुना होगा। भाई अकबर जो था पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसे सभी चीज़ों की किताबों का पढ़ने का शौक़ था, उसके पास अच्छी लाइब्रेरी थी। अकबर की जो पत्नी थी कौन भाई बताइए, किससे शादी हुई थी उसकी? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, जो भी उनकी पत्नी थी। मैं क्योंकि भाई आपको इतनी बातें नहीं पता तो आगे फिर क्या होगा। भाई जब उसकी जो पत्नी थी वो पढ़ी लिखी थी, तो वो पढ़ी लिखी जब वो आई, राजपूत फैमिली से थी वो, जब वो आई तो उसने देखा कि इसके पास बहुत सारी बुक है, तो उसने खुद पढ़ी वो बुक। और उससे पहले जो उसके यानी कि पूर्वज थे मुग़ल एम्पायर में, उनके पास भी किताबें थी। यानी कि अब आज का टाइम तो है नहीं कि आज के टाइम से लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इससे पहले भी चल रहा होगा। यानी कि लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकली बहुत पुराना है। अब सोशल यानी कि सोशल देख लेते हैं, सामाजिक दृष्टि से भी लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। यानी कि लाइब्रेरी आज के समय में नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट पुराना नहीं, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट जब से ये यानी कि एडी शुरू हुआ है उससे भी पुराना मान के चले। क्यों मान के चले? क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से लाइब्रेरी भाई पुराने समय में, आपने सिंधु घाटी सभ्यता, इन सभ्यताओं का नाम सुना है, और यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 5 से 6 सभ्यता थी, जिसमें चीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता थी, नील नदी सभ्यता थी, ये सभ्यता थी। तो वहाँ पर भी लाइब्रेरी का कहीं ना कहीं एक तरह से जिक्र हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में लाइब्रेरी का क्या रोल है, किस तरह से उपयोगी है, किस तरह से आधार है, किस तरह से लाइब्रेरी की नींव रखी गई, ये सब चीज़ें हमें बताई गई हैं इस चैप्टर में। यानी कि ये चैप्टर आपका ख़ास तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपको लाइब्रेरी से अवगत कराना है कि आपका लाइब्रेरी में जिससे मन लगा रहा है। यानी कि पहला ही जो यूनिट है, और पहले यूनिट में पहला जो टॉपिक है लाइब्रेरी के केवीएस के सिलेबस में, वो सिर्फ यही बताता है कि भाई सोशल और हिस्टोरिकल जो फाउंडेशन यानी कि नींव है वो लाइब्रेरी की बहुत पुरानी है, यानी कि बहुत पुराने दौर से चली हुई आ रही है। उसके बाद जो टॉपिक है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी, जिसमें एकेडमिक है, पब्लिक है, किसकी स्पेशल है, ये सारी पढ़नी है। ये यहाँ से आपका टॉपिक एक तरह से एक्यूरेट जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहले पन्ने में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है बताना होता है कि आपको क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, वैसे ही लाइब्रेरी की सोशल और हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी वो आपको जानना था कि लाइब्रेरी आज आपके
इस केवीएस से पेपर से इम्पोर्टेंट नहीं है, केवीएस के पुराने टाइम से इम्पोर्टेंट है लाइब्रेरी हमारे लिए। तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी थी। ठीक है बच्चों, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि हम जो पढ़ रहे थे उसमें आपको आज का जो चैप्टर था वो, यानी कि पहले जो यूनिट यानी कि फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में पहला चैप्टर लाइब्रेरी एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों कहा जाता है? सोशल इंस्टीट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइब्रेरी में चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंच किसी भी जाति धर्म का हो, लाइब्रेरी का मतलब ये है कि सभी के लिए समान पुस्तक का उपयोग करना, यानी कि बुक सभी के लिए समान है। एक ऐसा देश बताइए जहाँ पर रात हो, दिन हो, चाहे कोई भी मौसम हो, ठीक है, वहाँ पर कभी भी बुक को चोरी के उद्देश्य से नहीं देखा जाता। यानी कि बुक सेल होती है रोड पर, जैसे आपने नई सड़क का नाम सुना होगा, नई सड़क पर भी बुक सेल होती है रोड पर। और जो सेलर होते हैं उस देश के, वो क्या करते हैं, कभी भी बुक को किस में ताले में बंद नहीं रखते। उस देश का नाम बताइए, मैं आपको 101% ये कह रहा हूँ, जो भी उस देश का नाम ढूंढ के रखेगा और उस देश का नाम जिसे पता होगा, इस क्वेश्चन पूछने से पहले पता होगा, वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी से अंदर तक जुड़ा हुआ है, तभी उसे उस देश का नाम पता है। नहीं तो मैं अगली क्लास में आपको उस देश का नाम बताऊंगा, क्योंकि वो देश ऐसा है, उनका ये मानना है कि जो चोर होगा वो किताबों से प्रेम नहीं करेगा, और जो किताबों का प्रेमी होगा वो कभी भी चोर नहीं होगा। यानी कि आज भी ये माना जाता है ज्ञान लेने वाला कभी चोर नहीं होता, और जो चोर होता है वो ज्ञान का हकदार नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों ये जो था इसके बारे में पढ़ना था, यानी कि लाइब्रेरी में क्या है, सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी पढ़ना था। तो सोशल और फाउंडेशन यानी सोशल और हिस्टोरिकल हमने पढ़ लिया, क्योंकि इनमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें जानने की थी, कोई फालतू बकवास नहीं थी इसमें। अगर आपको फालतू बकवास में लेके चलना तो बहुत सारे मटेरियल है, उससे हमें लेकिन चलना, हमें सिर्फ केवीएस की तैयारी करनी है, हमें नेट पीएचडी और उन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना है। और उसमें भी इन्वॉल्व होने के बाद भी चीज़ें को क्लियर एंड कट लेके चलना है, नो बकवास, ओनली तैयारी। ठीक है बच्चों, आपको क्या देखना है, इसके बाद देखनी है मैराथन। मैराथन आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, आज तक कभी भी लाइब्रेरी की मैराथन नहीं मिली होगी, तो लाइब्रेरी की मैराथन पहली बार हमारे चैनल पर मिली है, तो इसलिए आपको चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।